Hello, welcome back, my dear students. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English Platform by Ravi Sir. तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने वकैब की सीरीज़ को स्टार्ट किया है भाई। उसके तहत हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम कभी कभी बीच में रूट वर्ड की जो वकैब होती है उसको भी डालते हैं। तो मिक्सअप हमारी जो वकैब है वो चल रही है। प्यारे साथियों, ये जो वकैब मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और पेपर के अंदर बिल्कुल यहीं से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस को दिया जाता है, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी, ये जो वकैब चल रही है, ये 1991 से लेकर 2018-19 तक के जो पेपर हैं उनका निचोड़ है साथियों। तो बिल्कुल आप मेरी इस वकैब के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ आप इसको पढ़ो और आप अपने एग्ज़ाम को चुटकियों में क्रैक करो। आओ साथियों, देर ना करते हुए सीखते हैं। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है भाई, फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है ए डिजीज़ दैट अफेक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम। भाई एक ही समय में एक ही एरिया के बहुत सारे इंसानों को अपनी लपेट में जो ले ले वो बीमारी, ठीक है, या अफेक्ट करे, प्रभावित करे, वो बीमारी क्या कहलाती है साथियों? उसको बोला जाता है भाई एपिडेमिक। क्या बोला जाता है दोस्तों? एपिडेमिक। क्या बोलते हैं भाई? एपिडेमिक। इसी के जैसे एक दो वर्ड और हैं साथियों, मैं देता हूँ। देखो जो डेमिक वर्ड है भाई, जो डेमिक वर्ड है वो हमेशा रिलेट करता है आपकी किसी न किसी डिजीज से, बीमारी से, ठीक है। इसके आगे अगर हम यूज़ करते हैं भाई, अगर हम यूज़ करते हैं एपिडेमिक, यस, क्या भी एपिडेमिक, तो आपके सामने मीनिंग है भाई, जो ऐसी बीमारी जो भी एकदम से सडनली फैले, या आप कहीं भी स्प्रेडिंग सडनली, ठीक है भाई, ये क्या है? एपिडेमिक। एक होती साथियों आपकी एंडेमिक, ध्यान से देखें, एंडेमिक ये होती किसी भी स्पेसिफाइड एरिया, कोई भी साथियों स्पेसिफाइड एरिया होता है उसके अंदर ये होती है। जैसे आपकी मलेरिया है, मलेरिया इज़ एन एंडेमिक इन मैनी हॉट कंट्रीज़। भाई बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें जो मलेरिया है वो एक एंडेमिक है, स्पेसिफाइड एरियाज़ में वो पाई जाती हैं, वो क्या कहते हैं भाई? एंडेमिक। एक होती साथियों पेंडेमिक। क्या होती है? पेंडेमिक। पेंडेमिक होते भी ओल, भाई एक ही समय में, ठीक है, हर जगह जो बीमारी पाई जाए उसको कहते हैं पेंडेमिक। तो जैसे आपकी बीमारी है साथियों कोरोना, वो क्या है? वो पेंडेमिक है। कैसी है साथियों? पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड वाइड वो है। तो इनको बड़े ध्यान से देखें, पढ़ें, ठीक है भाई। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिजीज़ दैट इज़ स्प्रेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है उसको बोलते हैं साथियों, इस क्या बोलते हैं भाई? कॉन्टैजियस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्टैजियस, ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं? कॉन्टैजियस, जो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, कॉन्टैजियस। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो होती हैं आपकी, भाई कोरोना ये भी ऐसी है, कंटेजियस भी ये है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द डिजीज ऑफ आइज। भाई एक ऐसा डॉक्टर जो आँखों का विशेषज्ञ होता है, ठीक है, जो आँखों की बीमारियों के बारे में जानता है, आँखों की बीमारी को वो पढ़ लेता है। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तो साथियों वो बात तो यहाँ पे नहीं है। एक ऐसा डॉक्टर जो आँखों की बीमारियों का स्पेशलिस्ट होता है भाई, उसको क्या बोला जाता है? ध्यान से स्पेलिंग लिखे, ऑफ, क्या होता है भाई? ऑफ, इस ऑफ थैल मो लोजिस्ट। ध्यान से देखिए भाई, मैंने अलग अलग करके वर्ड्स को लिखा है। ऑफ थैल मो लोजिस्ट, क्या बोलते हैं? ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। क्या बोलोगे साथियों? ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट। इसी के चलते मैं दो वर्ड आपको और देता हूँ भाई, उसको बोलते हैं हम, एक होता है साथियों ऑकुलिस्ट। क्या होता है भाई? एक होता है साथियों ऑकुलिस्ट और एक होता है भाई
ऑप्टिशियन। यस, ये क्या होता है साथियों? ऑप्टिशियन। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं इनको डिक्शनरी में से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, मेरा जो पर्पज़ है वो आपको है भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। मैं आपको किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं बनाना चाहता, या मैं आपको अपने ऊपर डिपेंड नहीं बनाना चाहता। मैं आपको कट एंड राइट सारी की सारी चीज़ें नहीं दूंगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। एक आगे बढ़ते हैं भाई। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है। ठीक है, ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता है उसको बोला जाता है साथियों, इस क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं भाई? पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं साथियों? पेडियाट्रिशियन। ध्यान से देखना, अलग अलग हमने लिखा है इनको, पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन, जो विशेषज्ञ होता है भाई बच्चों के लिए। ठीक है, पेडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है भाई, ट्रॉमेटिक परफॉर्मेंस। ट्रॉमेटिक परफॉर्मेंस, ट्रॉमेटिक परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं भाई? मास्क। क्या बोलते हैं साथियों? इस क्या बोलते हैं? मास्क। ये इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामा, एक ड्रामे की तरह होता है। आपके विलियम शेक्सपियर जी ने बहुत सारे मास्क लिखे हैं, जिनके अंदर उनका एक भाई मास्क है बड़ा ही प्यारा, कौन सा था? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, वो एक मास्क ही है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, यस। नेक्स्ट है, ए ड्रॉइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर। भाई ट्रांसपेरेंट होता है दिखना, ठीक है, आर पार दिखना। तो एक ऐसी ड्रॉइंग जिससे आर पार दिखे, एक ऐसे पेपर पर आप कह सकते हैं जिसमें से आर पार दिखे, उसको क्या बोलते हैं साथियों? ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? यस, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं साथियों? स्पेलिंग ध्यान से देखना भाई, ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ये स्पेलिंग टेस्ट में भी ये स्पेलिंग पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिए इस पर, ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट है भाई, ए फिक्स्ड ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ। धरती से रिलेटेड ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स्ड स्पेस जो है, ठीक है, स्पेस के अंदर जो फिक्स्ड ऑर्बिट एक है जो धरती से रिलेट करता है, उसको क्या बोला जाता है भाई? जियो स्टेशनरी। क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी। क्या बोलोगे दोस्तों? जियो स्टेशनरी। ठीक है, जियो स्टेशनरी। नेक्स्ट में आते हैं भाई, ए फोर फुटेड एनिमल। फोर फुटेड एनिमल किसको बोलते हैं भाई? चार पैरों वाला एनिमल किसको बोलेंगे बेटा? क्वाड्रॉप्ट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रॉप्ट, फोर फुटेड एनिमल, जो आपकी भैंस है, गाय हैं, ठीक है, सब क्या हैं? फोर फुटेड हैं ये, क्वाड्रॉप्ट। क्या है भाई? क्वाड्रॉप्ट। नेक्स्ट है भाई, ए फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विद इट ओनली रिसेम्बल्स। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल ईजी है, इसको बोलते हैं साथियों सिमली। ठीक है, हमने फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोज़ को भी डाला हुआ है भाई, आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं साथियों सिमली। नेक्स्ट एंड लास्ट, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल कॉलेज। एक स्कूल या कॉलेज का कोई पुराना छात्र, फॉर्मर पहले वाला छात्र, उसको बोला जाता है साथियों एलुमनस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? एलुमनस। क्या बोलते हैं साथियों? एलुमनस। और ये सिंगुलर होता है, ठीक है, क्या सा होता है भाई? सिंगुलर होता है। और इसका जो प्लूरल होता है उसको बोलते हैं एल्यूमिनी। क्या बोलते हैं भाई? एल्यूमिनी। ठीक है, एल्यूमिनस सिंगुलर है और एल्यूमिनी प्लूरल है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, हमारे सामने 10 सेंटेंसेस हैं, 10 वर्ड्स आपके सामने यहाँ पर है भाई, 10 डेफिनेशन आप कह सकते हैं। तो 10 वर्ड्स को आज हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है, और आप भूलिए ना, आपके लिए एक काम मैंने दिया है भाई, ऑक्युलिस्ट और ऑप्टिशियन, इनके मीनिंग क्या होते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्युलिस्ट ऑप्टिशियन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं, डिक्शनरी से पढ़िए। एक आदत बना लीजिए दोस्तों डिक्शनरी पढ़ने की। ठीक है, तो ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी को दीजिए इजाज़त। बाय, चाचा, गुड नाइट।